हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता। तो क्योंकि आज मेरे घर खिचड़ी बन रही थी तो मेरा मन किया कि बैंगन का भरता ज़रूर बनाना चाहिए। तो मैंने इस तरीके से बैंगन को बीच में से फाड़ लिया है। अब हम बैंगन को जो है अच्छे से ग्रीस कर देते हैं, सरसों का तेल लगा देते हैं। आप इसमें जो है लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी लहसुन नहीं खाते हैं इस वजह से मैं लहसुन नहीं डालूंगी। और उसके बाद बैंगन को अच्छे से पका लेंगे। और मैंने बैंगन का भरता बनाने के लिए एक प्याज ली है, एक टमाटर लिया है, थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स ली है और ग्रीन चिली ली है। चलिए अब इसको अच्छे से आग पे पकने देते हैं। बैंगन को जो है हर तरफ से अच्छे से पका लीजिए, नहीं तो अगर ये अच्छे से नहीं पकेगा तो आपको भरता अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे सब तरह से इसको पका लें। देखिए तो ये हमारा बैंगन जो है ये हमने जो पकने रखा था वो अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसको अच्छे से छील लेंगे, इसका सारा छिलका। इस तरीके से इसका सारा छिलका आपको उतार लेना है। संभाल के उतारिएगा क्योंकि अभी ये गर्म ही है बिल्कुल। मैंने इसमें ऑयल ग्रीस कर दिया था ना, इस वजह से इसका छिलका बड़ी आराम से उतर गया। देखिए इस तरीके से हम इसका सारा छिलका उतार देंगे। और ये सारा छिलका हमने हटा दिया है, थोड़ा बहुत रहने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं आता है। चलिए अब हम इसको डाल देते हैं। अब मैं इसको अच्छे से तोड़ के कर देती हूँ मिक्स तरीके से। अब ये जो हमने धनिया काटी थी हम धनिया डाल देंगे, हम प्याज डाल देंगे और टमाटर डाल देंगे। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। और स्पेशल इंग्रेडिएंट जो है वो है कच्चा सरसों का तेल। कच्चा सरसों का तेल डालेंगे आधा स्पून से भी कम। और अब हम इसको इस तरीके से कर देंगे अच्छे से मिक्स। बैंगन का अगर भरता आप लोग तो ज़रूर खाते होंगे, मैंने तो बस ऐसे ही मन किया तो शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। लेकिन इस तरीके से एक बार कच्चा सरसों का तेल डाल करके खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। कई लोग बैंगन का जो भरता है वो फ्राई करके भी बनाते हैं, पर हमारे घर में सबको कच्चा ही पसंद है। तो ये हमारा बैंगन का भरता कच्चा बन करके रेडी है, जो कि हम खिचड़ी के साथ खाने वाले हैं। इस तरीके से मिक्स कर लेना है। और ये हमारा बैंगन का भरता रेडी है। अब आप इसको दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।